मर रहा था कोरोना में, उस समय सैनिटाइजर घोटाला हो गया, मशीन की खरीद बिक्री में घोटाला हो गया, और यहाँ पर और तो और छोड़िए डस्टबिन घोटाला हो गया मैरवा में ना। तो हम लोग दूर दूर सुनते थे कहीं डस्टबिन घोटाला होता है, खैर मैरवा में भी देखने को मिल गया कि मैरवा में भी डस्टबिन घोटाला हो गया। तो मुद्दा मैंने है ना जी, अभी क्या लोग देख रहा है ना, लोग जनता देख रही है कि डस्टबिन मतलब जो लोगों को घर घर देना था बाल्टी, बहुत लोगों को नहीं मिला, अपना अपना लोग देख कर बाल्टी दिया। स्टील का जो लगा 2800 रुपये कुछ का डस्टबिन था, उसको 28000 कई हज़ार गुना उसको बेसी पैसा में खरीदा गया। जनता इन सब चीज़ों को देखेगी ना, मांगेगी लोगों से। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए आप चुनावी दंगल में आए हैं, तो आपको लगता है कि अगर जनता मेहरबान हुई, सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो ये जो दाग धब्बा लगा हुआ है इसको धोने का आप काम करेंगे, एक नया व्यवस्था कायम करना चाहेंगे क्या? हम युवा जब आएंगे ना, कहते हैं युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कुछ कर देंगे ऐसा कि सब नील का पत्थर मानेंगे, और हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि लोग देखेंगे और कहेंगे कि हाँ कुछ किया है, नगर पंचायत में विकास हुआ है। जी 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 जी, देखिए जनता अगर जो हम पे विश्वास जताती है तो जीतने के बाद से एक नगर पंचायत के प्रतिनिधि का मुख्य काम होता है कि जो घर का कचरा हुआ, नाला हुआ, ये सब की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, लोग एक स्वस्थ वातावरण में जीवन यापन करें। क्योंकि विधायक एमपी तो हम चुन दिए, तो उनका काम है कि क्षेत्र का विकास करना, नगर पंचायत में गली नली का विकास कौन करेगा भाई, उस लिए हमें चुना जाता है। और हम अपने एसी वाले कार में बैठकर घूमेंगे तो नहीं ना होगा, उसी लिए हमें जनता के बीच में यही आग्रह है कि हमें मौका दे और जनता को हम लोग सेवा का दिया जाएगा कि कैसे नाली बनता है, कैसे क्या है सिस्टम उसका एक बनाया जाएगा, है ना जी। पहली बार चुनाव लड़ने का मन में ख्याल कैसे है, मतलब ये चुनाव यही भ्रष्टाचारी को देखते हुए है ना, कि समाज में युवा आएगा नहीं तो फिर इसका विरोध कैसे कौन करेगा। देखिए हम अपने आप को बहुत आगे देख रहे हैं इन लोगों से, और जनता का विश्वास हमें काफ़ी मिल रहा है, सबका समर्थन है, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आप लोगों के सामने। अभिमन्यु कुमार, नगर पंचायत मैरवा जी। सरदानंद गुप्ता जी, सरदानंद गुप्ता जी क्या कहेंगे, अभी जो अभिमन्यु जी बता रहे हैं उसके विषय में आप कितना सहमत हैं? इसमें 40% इसमें सहमत है हम लोग। यहाँ पर जो भी काम हुआ है खाली दिखावा में काम हुआ है। हाँ, इस बगल का ये मकान है, इसका नली आज 20 वर्ष में एक बार भी साफ नहीं हुआ है। इस सभी के मकान में पानी सीढ़न आ रहा है, सबकी नाला बना व्यवस्था अलग से कर रहे हैं लोग। नाला का निर्माण तो नगर पंचायत के विकास मद से बहुत सारा हुआ था, यहाँ क्या विकास का काम नाला निर्माण का नहीं हो पाया? अभी कुछ नहीं हुआ इसमें, 20 वर्ष में एक बार भी नाला इसका विकास नहीं हुआ, ना साफ हुआ ना कुछ हुआ। कई प्रत्याशी और चले गए, पब्लिक क्या संतुष्ट नहीं है? नहीं है, 10 फीट तक नाला का मिट्टी जमा हुआ है। ये स्थिति बनी हुई है।